सो हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम ही होगा, काफ़ी सारे यूट्यूबर नई नई गाड़ियों के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। जैसा कि काफ़ी सारे यूट्यूबर, आपने अदर यूट्यूबर की वीडियो देखी होगी जिसमें गाइस वो बोलेरो कार को इंजन बाइक्स ड्राइविंग 3D गेम के अंदर ले लेते हैं एंड उसी के साथ साथ एल्टो कार को ले रहा है, कोई यूट्यूबर भाई एंडोवर कार को ले रहा है एंड कोई यूट्यूबर भाई BMW कार को ड्राइव कर रहा है। वो कैसे कर पा रहे हैं भाई, इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड उसी के साथ साथ यह भी बताने वाला हूँ कि हमारी गेम में कौन सी कार को ऐड किया जाएगा और कौन सी कार को ऐड नहीं किया जाएगा। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम ही होगा कि हमारी गेम में न्यू कारों को ऐड किया जाने वाला है, बट वो कौन कौन सी गाड़ियां हैं जिनको ऐड किया जाएगा तो इसी वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। एंड उसी के साथ साथ यह भी बताने वाला हूं इस वीडियो में आपको क्या न्यू अपडेट किस टाइम देखने को मिलेगा एंड उसकी डेट क्या है वो कन्फर्म हो चुकी है रोहित गेमिंग की सर की तरफ से एंड मुझे मालूम भी चल चुकी है, बट मैं तुम्हें बताने वाला हूं वीडियो के बीच में, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। एंड जैसा कि कमेंट आ रहे थे, काफ़ी सारे यूट्यूबर बोलेरो के ऊपर वीडियो बना रहे और काफ़ी सारे एल्टो कार के ऊपर, भाई ये सब चीज़ें तो बाद में ऐड होंगी, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ। जैसे कि चर्चा इन चीज़ों को अभी हम साइड में रख देते हैं, अब चर्चा करते हैं अपने टैंक के ऊपर। तो गाइस जो आर्मी टैंक है ना, उसको तो 100% लिख के ले लो गाइस, रियल में उसको ऐड कर दिया गया है एंड वो आपको बहुत जल्द देखने को भी मिलेगा टैंक है। एंड उसका चीट कोड हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ अब बात कर लेते गाइस, क्या हमारी गेम में सच में न्यू कार ऐड होंगी? जी हाँ गाइस, आपने सही सुना, हमारी गेम में न्यू कार तो ऐड होंगी बट बोलेरो कार को ऐड नहीं किया जाएगा, क्योंकि बोलेरो कार का 3D मॉडल अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो इसी कारण उस बोलेरो कार को ऐड नहीं किया जाएगा। एंड उसी के साथ साथ आप बात कर लेते हैं BMW कार की, तो गाइस BMW कार को भी ऐड नहीं किया जाएगा क्योंकि गाइस उसका भी मार्केट में 3D मॉडल अवेलेबल नहीं है एंड BMW कार को भी ऐड नहीं किया जाएगा। अब तुम बोलोगे भाई भाई दो गाड़ियों को तो ऐड नहीं किया जा रहा, अब ऐसी कौन सी गाड़ियाँ जिनको हमारी गेम में ऐड किया जा रहा है? रुको जरा मैं बताता हूँ गाइस, वो उन गाड़ियों का नाम है एंडोवर एंड एल्टो। तो गाइस इन दो गाड़ियों को हमारी गेम में ऐड किया जा सकता है। एल्टो का तो पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, बट एंडोवर कार का पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है, इसको 100% हमारी गेम में ऐड कर दिया जाएगा। जो भी यूट्यूबर आपको एंडोवर कार के बारे में जानकारी दे रहा है वो बिल्कुल सही दे रहा है, क्योंकि हमारी गेम में एंडोवर कार का मॉडल रेडी हो रहा है एंड जैसे ही वो रेडी हो जाएगा इस वाले अपडेट में आपको देखने को मिलेगा। अगर मॉडल अच्छी तरह से रेडी नहीं हो पाया तो आपको नेक्स्ट अपडेट में देखने को मिल सकता है, बट एंडोवर कार आपको इस गेम के अंदर देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं गाइस न्यू अपडेट की डेट क्या है एंड कौन से महीने में आएगा। तो गाइस न्यू अपडेट, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा, हमारे न्यू अपडेट को आने में 1 से 2 महीने लग जाते हैं, बट रोहित गेमिंग सर ने अभी मेरे को बोला है कि 1.5 महीने का समय हमारे न्यू अपडेट को आने में लग जाएगा, तो आप ज़्यादा वेट मत करना, 1.5 महीने लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि नवरात्रों में भी आपको न्यू अपडेट देखने को मिल सकता है, नहीं तो आपको दशहरे पे न्यू अपडेट देखने को मिल जाएगा, यह 100% कन्फर्म हो चुका है। एंड अब बात कर लेते हैं गाइस, क्या हमारी गेम में फ्यूचर में पेट्रोल पम्प को ऐड चालू किया जाएगा? ऐड तो हो चुका है, उसे चालू किया जाएगा। जी हाँ बिल्कुल गाइस, उसे चालू किया जाएगा, रोहित गेमिंग सर ने खुद ने कहा है, भाई जब पेट्रोल पंप को ऐड किया है तो उसको चालू भी तो किया जाएगा, ऐसा थोड़ी है कि पेट्रोल पंप ऐड हो गया उसको चालू नहीं किया जाए, बट फ्यूचर में वो चालू होगा। और फ्यूचर में रोहित गेमिंग सर ने यह भी कहा है कि फ्यूचर में इस इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D गेम में मार्केट अवेलेबल होगी, यानी कि मार्केट को भी लगाया जाएगा एंड नए नए शोरूम्स खुलेंगे इस गेम के अंदर, और जिनसे हम GTA 5 जैसी फीलिंग आएगी, पूरी GTA 5 जैसी फीलिंग आने वाली है इस गेम के अंदर। और अभी इस गेम के 100 मिलियन डाउनलोडर हो चुके हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इस गेम के 100 मिलियन डाउनलोड करा दिए। एंड मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। और हाँ, इस गेम से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट जरूर करना, मैं 100% रिप्लाई जरूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।